दोस्तों, परमजीत सिंह कैली हब सर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और आज मैं हूँ लाडवा एरिया के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा हरियाणा से हम अभी जो है ये लाइव शूट कर रहे हैं। और ये जो आप फील्ड देख रहे हैं, सरसों की फील्ड है, करीब 12 एकड़ है। तो मैं सबसे पहले जो है आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा सर, आपका नाम आपका क्या है और आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा नाम है कुलधीर सिंह, गांव बुढ़नपुर खालसा, डिस्ट्रिक्ट करनाल। मोबाइल नंबर है 98136000095। ठीक है जी। तो ये जो सरसों का खेत मैंने देखा है, आपने बेड के ऊपर सरसों बीजी हुई है? हाँ जी, पहली बार मैंने भी ट्राई की है इसकी। अच्छा। ये यूट्यूब चैनल पे देखा था मैंने। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम लगाया आपने? फर्स्ट टाइम लगाया जी। ठीक है, थोड़ा इधर ले आओ आप कैमरे को। ये बेड जो है करीब करीब जो है 26-27 इंच का मुझे नजर आ रहा है लगभग। हाँ, 2.5 फुट के आसपास। हाँ, तो एक उस रो उस साइड है और एक रो इस साइड इस साइड है। तो ये आपने मशीन से लगाई है सरसों? मशीन से लगाई है जी, अब की बार तो किराए पे लगवाई है मैंने। ठीक है, दरड़ में है सरदार जी सम्मन सिंह, उनके पास है मशीन। ठीक है। और ये मशीन गेहूँ और जीरी लगा सकती, बाकी सब लगाएगी। मतलब गेहूँ और जीरी को छोड़ के उसके अलावा में कोई भी सीडलिंग करनी है? हाँ जी हाँ, किसी भी तरह की बिजाई गन्ना नहीं लगाएगी। हाँ, गन्ना तो चलो नेचुरल सी बात है, वो तो मतलब और कोई भी ऐसा ग्रेन है उसको हम उससे बिजाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उससे बिजाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम मशीन से बिजाई करेंगे तो सीड भी हमारा कम लगेगा? वैसे तो जो अगर छींटे की बिजाई करते हैं जी, 1 किलो से 1300 ग्राम, कोई 1500 ग्राम भी गिरता है, जैसे डाकर जमीन है जी, जी, इसमें 350 ग्राम सफिशियंट है, सीड सफिशियंट। हाँ, मैंने 600 ग्राम पहली बार डर देना लगवाया, तो देख लो आप ज़्यादा गिण किया। हाँ बिल्कुल, जो है फसल जो देख के पता लग रहा है कि हमारी जो है गिण की है। ठीक है, तो अगर हम मतलब 350 ग्राम भी अगर बीज हमारा लगे तो वो सफिशियंट है, बहुत सफिशियंट। ठीक है, तो आप जैसे पिछले काफ़ी टाइम से सरसों के ऊपर आप काम कर रहे हैं, सरसों नॉर्मल सरसों कितनी निकल जाती है? नॉर्मल सरसों 8 क्विंटल से 10 क्विंटल 11 क्विंटल तक निकल जाती है, मैक्सिमम यील्ड मतलब 11 क्विंटल। हाँ, 11 क्विंटल हाईएस्ट है। ठीक है, और इस पैटर्न पे जब हम आए हैं तो इस पैटर्न से हमें क्या उम्मीद है, अभी इससे हम आगे बढ़ सकते हैं? इससे 14-15 क्विंटल की आस है जी, जिसने जो बिजाई करके गया है सम्मन सिंह जी, उसने पहले की हुई है पिछले साल लास्ट ईयर, तो उसका बरसातों में भी 12 क्विंटल निकली है, हमारी 6 क्विंटल निकली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो कहाँ से है? वो दरड़ गांव है जी, करनाल के पास। ठीक है, और यही मशीन फिर मक्का लगाएगी इन खेतों में, मक्का यही मशीन बीजेगी सेम पैटर्न। ठीक, वो भी आधा बीज लगेगा। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल है। तो बढ़िया सरसों खड़ी है, और परमात्मा करे के जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लगभग 14 क्विंटल के आसपास तक जो है सरसों हमारी निकल जाए, अगर 14 क्विंटल के आसपास हम पहुंचते हैं, हमारा कोई किसान पहुंचता है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। बिल्कुल, आज के टाइम में तो बहुत बड़ी है। हाँ हाँ हाँ, और दूसरा जो है, एक जो नुकसान इसमें जो अगर हम बात करें, कम होने वाला नुकसान ये है कि जब खुले खेत में अगर हम पानी देंगे, फ्लड इरीगेशन करेंगे, तो उसमें सरसों जो है नुकसान में आ जाती है। पानी का भी फर्क है जी, एक खाद का फर्क है, छींटे का खाद नहीं गिरता इसमें जी। अगर एक कट्टा भी गिरेंगे तो सिर्फ इतने ही हिस्से में गिरेगा, वो चूर में, छींटे खाद नहीं गिरेगा, तो वो दो कट्टे का काम करेगा। ठीक बात है, बिल्कुल है, मतलब वो प्रॉपर जो है वो डोज को प्लांट को मरेगा, मिलेगी उसमें डोज। ठीक है, और बेड के ऊपर तो नेचुरल सी बात है, जब भी हम कोई भी फसल अगर हम बेड के ऊपर लगाते हैं तो उसकी रौनक ही अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, फसल के डैमेज के चांसेस हमारे घट जाते हैं, और अच्छी फसल जो है बेड पे हम ले पाते हैं। फुटाव का पूरा एरिया मिलेगा, एरिया मिल जाएगा पौधे को, फुटाव का पूरा एरिया मिलेगा। जी जी, इरीगेशन में जब हमने फसल मतलब इरीगेशन की, जब हमने पानी लगाया, तो रूट्स के ऊपर भी उसका ड्रॉबैक नहीं नजर आता? नहीं, कुछ नहीं है, वो तो पहले ही तो जर्मिनेशन हो जाती है उसकी तो। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करूँगा, और इरीगेशन में भी 1.5-2 घंटे में एक एकड़ भर जाएगा। बिल्कुल, ना क्यारे बनाने की जरूरत है, ना पटड़े बनाने की जरूरत है, एक नाके से पानी जाएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे और भी जो फार्मर हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, दूसरे फार्मर्स हैं, आप लोग भी कोशिश करें कि हम इस तरह के इक्विपमेंट के ऊपर जाएं, इस तरह की मशीनों का जो है हम उनकी सपोर्ट लें, और उनकी सपोर्ट लेकर हमारी भी जो खेती हो
वो थोड़ा सा हम लोग एडवांस हों ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो हमारा बढ़े, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है कि हमारा किसान जो है वो मजबूत होगा, वो समृद्ध होगा। तो इन वीडियोस का बनाने का मकसद यही है, जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है फील्ड में तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस जानकारी को जो है आप सबके साथ जो है मैं शेयर कर सकूँ। तो इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।